हेलो फ्रेंड, क्रीमा डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कि टॉलरेंस के बारे में। और जैसे कि आपको पता है कि ब्रिक्स एक बिल्डिंग मटेरियल है जो मोस्टली साइट पे यूज़ होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप साइट पे कोई ट्रक आता है या फिर ट्रैक्टर आता है, तो जैसे ही आपकी ब्रिक की गाड़ी आएगी तो उसमें आपको क्या क्या चेक करना होता है, या फिर उसमें जो ब्रिक्स टॉलरेंस होती है और कितने नंबर्स में आपको ब्रिक्स चेक करनी होती है, तो आज की इस वीडियो में वो सब बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। जैसे देखते हैं कि भाई कॉमन बर्न क्ले ब्रिक स्पेसिफिकेशन आज हम बात करेंगे कि हैंड बोल्टेड ब्रिक है, 90 mm से 70 mm हाइट शैल बी मोल्डेड विद, ये अपना जो हैंड बोल्डेड ब्रिक है उसके लिए हाइट की बात की है कि भाई 90 mm से 70 mm तक अपनी हाइट होती है, ठीक है। तो और मोल्डेड विद फ्रॉग, जो फ्रॉग हाइट होती है हमारी 10 से 20 mm डीप, तो 10 से 20 mm अपनी फ्रॉग की हाइट होती है। देखिए, दो तरह के फ्रॉग मोस्टली बनाए जाते हैं ब्रिक के अंदर। अगर आपका पास रेक्टेंगल फ्रॉग है तो आपके लिए क्या है कि 10 से 20 mm आपको ड्रॉप रखना है एंड डाउन रखना है, 40 mm उसकी विड्थ रखनी है और 100 mm उसकी लेंथ रखनी है। सर्कुलर शेप का आपका कोई फ्रॉग है तो उसके लिए रेडियस आपको 20 mm रखनी है और जो डेप्थ है वो 10 से 10 mm रहेगा और जो 40 mm उसकी विड्थ रहेगी और जो रेडियस ख़त्म होने के बाद जो हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस बचेगी बीच में वो 60 mm, यानी कि हमारे मोस्टली दो तरह के ही फ्रॉग ब्रिक में यूज़ होते हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो बात करते हैं आगे, अगर ब्रिक हमारी क्या है कि 40 mm से ज़्यादा है या 40 mm से कम है, तो उस केसेस में क्या करते हैं, उस केसेस में हम फ्रॉग नहीं लेते क्योंकि उसकी थिकनेस ऑलरेडी हमारी इतनी कम हो जाती है, तो उसमें हम फ्रॉग साइज नहीं मेंटेन करते और उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं मिनिमम थिकनेस होने के कारण। तो बात करते हैं कि अगर ब्रिक्स आपके पास जैसे साइड पर ब्रिक आते हो तो उसमें क्या चेक करते हो कि ब्रिक शेल हैव स्मूथ रेक्टेंगल फेस विद शार्प कॉर्नर या फिर शेल बी यूनिफॉर्म इन कलर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब फिजिकली देखनी है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बात करते हैं कि उनके बीच में जो टॉलरेंस होती है, अब टॉलरेंस किस अकॉर्डिंग आप चेक करोगे कि जो हमारे, देखिए दो तरह की ब्रिक्स होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड मॉडुलर साइज ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक और दूसरी होती है हमारे पास नॉन मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक्स। तो बात करते हैं कि जब हमारी मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक आती है तो मॉडुलर साइज की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, जो हमारी लेंथ विड्थ और हाइट रहेगी वो 190, 90 और 90 mm होती है। तो कॉमनली जो हम साइट पे यूज़ करते हैं वो हमारी नॉन मॉडुलर ब्रिक होती है जिसमें हमारा 230 mm, 110 mm और 70 mm का साइज होता है। देखिए, जो नॉन मॉडुलर साइज था हमारा, तो नॉन मॉडुलर साइज में क्या होता है कि जैसे 230 हमारी 230 mm लेंथ होगी, 230 mm लेंथ पे क्या है कि जो हमारा बॉन्ड बनता है, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है कि हमारा हेडर स्ट्रेचर दोनों आते हैं, तो उसमें क्या है कि 10 mm का हमारा गैप रखता है, इसलिए उसके साइज को हमने 110 mm लिया ताकि हमारा जो बीच में 10 mm का गैप बन सके। अगर इनके साइज में टॉलरेंस होगी तो वो गैप नहीं बनेगा और क्या है कि ऑफसेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी वाल से इधर कुछ 3 mm, 4 mm, 5 mm का ऑफसेट बनेगा, इधर कुछ ऑफसेट बनेगा। तो वन फेसिस हमें स्मूथ रखना होता है, इसलिए क्या है कि जो हमारा मॉडुलर का नॉन मॉडुलर का साइज होता है वो हमारा 230, 110 और 70 mm होता है। डाउट आएगा आप कैसे सैम्पलिंग करोगे उसकी, तो सैम्पलिंग के लिए कुछ कंडीशन है जैसे कि आपको 2000 से 10000 के बीच में अगर ब्रिक्स आई है तो उसकी सैम्पलिंग के लिए आपको नंबर्स ऑफ ब्रिक टू बी सिलेक्टेड आपको 20 लेनी पड़ेगी, उसमें डिफेक्टिव जो परमिसिबल है वो 1 रहेगी। तो दूसरी कंडीशन क्या आती है कि अगर आपके पास आप ग्रुप में सिलेक्ट करना चाहते हो, 1 by 1 नहीं, ओड इवन चक्कर में आप कर सकते हो, या फिर अगर आप कंटिन्यूस वन साइड से आप ब्रिक्स उठाते हो तो उसमें आपको 2000 से 10000 के बीच में आपको 40 ब्रिक्स आपको लेनी पड़ेगी। कंडीशन दूसरी क्या है कि अगर 10000 से 35000 के बीच में आपके पास ब्रिक है तो उसमें आपको जो इंडिविजुअली आप चेक करते हो, देखिए इंडिविजुअल ब्रिक के लिए लिखा हुआ है ये, इंडिविजुअल ब्रिक में आपको 32 ब्रिक्स आपको लेनी पड़ेगी, 2 डिफेक्टिव आप चला सकते हो, ठीक है। 35000 से 50000 के बीच में आपको इंडिविजुअली जो चेक करनी पड़ेगी वो 50 ब्रिक्स लेनी पड़ेगी और 3 ब्रिक्स उसमें आपको डिफेक्टिव चला सकते हो। बात करते हैं अगर कि अगर आपकी 2000 से कम है तो उस केसेस में क्या करोगे, ठीक है।
तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, या फिर क्लाइंट से डिस्कस करके कि कितना आप मिनिमम रख सकते हो सैम्पलिंग के लिए। तो मोस्टली ज़्यादातर यही होता है कि 2,000 से 10,000 है, तो वही कंडीशन अप्लाई करते हैं हम उसके कम के केसेस में भी, तो वो आपके सेटिस्फेक्शन पे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट बिटवीन द परचेजर या सप्लायर, उससे आप बात कर सकते हो कि भाई, या फिर अपने क्लाइंट से डील कर सकते हो कि भाई किस तरह हमें वो चीज़ सैम्पलिंग करनी है। ठीक है, तो जैसे हम सैम्पलिंग कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि अब हमें टॉलरेंस चेक करनी है कि उनके साइज़ में टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए। तो देखते हैं, जैसे कि हमारे पास नॉन मॉडुलर साइज़ है, नॉन मॉडुलर साइज़ साइट पे हम यूज़ नहीं करते, हमारा मॉडुलर साइज़ साइट पे यूज़ होता है। तो फिर भी देख लेते हैं कि नॉन मॉडुलर साइज़ के लिए हमारी टॉलरेंस क्या रहेगी। ये बात कर रहे हैं हम जब हमने सैम्पलिंग की है 20 ब्रिक्स के लिए, लिमिट पर 20 ब्रिक्स। तो 20 ब्रिक्स की सैम्पलिंग के लिए नॉन मॉडुलर जो हमारा 4 मॉडुलर साइज है, तो जैसे हमने 20 ब्रिक्स अपने ली, तो उसमें क्या कहा उन्होंने कि आपको 80 mm प्लस माइनस की टॉलरेंस दे सकते हैं। जब आपने 20 ब्रिक्स को कंटिन्यू एक लाइन में रखा, उसमें सैम्पलिंग में एक प्रोसीजर होता है कि आपको लेंथ वाइज चेक करनी है, विड्थ वाइज चेक करनी है और हाइट वाइज चेक करनी है। तो तीनों कंडीशन दी गई हैं, तीनों कंडीशन में आपको चेक करना है। अगर लेंथ वाइज चेक करो तो आपको 80 mm प्लस माइनस टॉलरेंस ले सकते हो, अगर आप विड्थ वाइज चेक करते हो तो आपको 40 mm की टॉलरेंस प्लस माइनस, और हाइट में भी आपको 40 mm की प्लस माइनस है। तो देखिए, ये उसने बताया है कि अगर हाइट है हमारे पास 90 mm तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, अगर हाइट है हमारे पास 40 mm, ये हाइट की बात की है कि जैसे 90 mm और 40 mm की हाइट है, दो हाइट हमारे पास है, तो दोनों हाइट में से अगर जो भी टॉलरेंस हमारी, जो भी हाइट के हमारे ब्रिक्स रहेगी, लेकिन तो उस कंडीशन से हम कोई भी दोनों कंडीशन चेक कर सकते हो। लेकिन मोस्टली साइट पे जो हमारी यूज़ होती है वो नॉन मॉडुलर साइज ब्रिक होती है। तो उसके लिए क्या करोगे, 20 ब्रिक्स आपने ले ली, 20 ब्रिक्स का सैम्पलिंग करने के बाद आपको उनकी टॉलरेंस चेक करनी है लेंथ में, विड्थ में और हाइट में। तो ये अलाउबल टॉलरेंस है IS कोड के अंदर, यही साइट पर यूज़ होती है। तो उसमें भी कंडीशन दी, अगर आपकी 70 mm है या 30 mm है, तो 30 mm के लिए कंडीशन आपकी ये रहेगी कि आपको प्लस माइनस 40 mm, और अगर आपकी हाइट है 40 mm तो उस केसेस में आपको क्या रहेगी, प्लस माइनस 40 mm की टॉलरेंस रहेगी। तो लेंथ वाइज जब आपको चेक करनी है तो आपको ऐसे सीरियल में लगाना होगा, अगर आप जब विड्थ वाइज चेक करोगे तो आपको विड्थ जो फेस होता है वो विड्थ के अकॉर्डिंग रखोगे। तो जब आप मेजरमेंट हाइट वाइज करते हो तो आपकी मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू हाइट वाइज होनी चाहिए। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ डाउट है तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।